हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज मेरा स्कूल में लास्ट एग्जाम था और आपको तो पता ही है स्कूल में आपको लास्ट एग्जाम हो और आपकी शर्ट या आपके साथ कुछ होना ये हो नहीं सकता। तो गाइस मेरी भी शर्ट के साथ आज बहुत बुरा हाल हुआ है, तो मैं आपको अपनी शर्ट बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ स्कूल में आज पूरा सीन क्या हुआ। जैसे कि आपको पता है स्कूल में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन आजकल स्कूल वालों में कौन सुनता है। फ़ोन तो हम ले गए थे स्कूल में, लेकिन वैसे मुझे हमारे ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं घर आके आपको सारा अपना सीन बताऊंगा स्कूल में क्या हुआ। तो गाइस सबसे पहले जैसे अपनी क्लास से एग्जाम करके बाहर आया, तो मेरा पूरा मुंह मेरे दोस्तों ने पेंट से भर दिया, मेरा पूरा मुंह नीला पीला हो गया था। उसके बाद मेरी शर्ट का झंझिया हो गई, मुझे जैसे मैंने क्लास से पहरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज होली हो और इंडिया में आ गया। यानी हर जगह आसमान में कलर नहीं कर रहा था, हर चीज़ कलर से भरी हुई थी, काफ़ी मजे का सीन लग रहा। तो वैसे मैं आपको शर्ट दे रहा था, शर्ट के साथ मेरा हुआ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये शर्ट है और हर जगह कलर से भरी हुई है। तो गाइस स्कूल में लास्ट डे जो होता है आप सबको पता है, यानी काफ़ी यादें जुड़ी होती हैं लास्ट डे के साथ। लास्ट डे यानी सबसे मज़े का दिन होता है स्कूल में, और वैसे भी ये साल मेरा स्कूल में पूरा बहुत मज़ा है गुजरा। यानी हर साल अच्छा गुजरता है, लेकिन ये साल कुछ स्पेशल था मेरे लिए। तो गाइस आज मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं किया। तो गाइस जैसे कि आपको बताया मेरे एग्जाम हो रहे थे, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम से ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला था। तो अब से मैं रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, जब तक मुझे छुट्टियाँ हैं तब तक मैं रोज़ कम अज़ कम एक ब्लॉग डाला करूँगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ही दबाया तो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो देख सकें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी शर्ट की धज्जियाँ उड़ गई हैं हर जगह, कलर ही कलर, अब तो ये पहनने काबिल नहीं रही। तो अगली क्लास के लिए मेरी शर्ट लेनी पड़ेगी, वो तो वैसे भी लेनी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉकेट है वो भी मेरे दोस्तों ने चीर फाड़ दी है, पॉकेट भी नहीं है अभी भी मेरे हाथों पे, इतनी दफ़ा धोने के बाद भी कुछ कलर रह गया है। तो गाइस आज का दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन है, यानी मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं। दिमाग ख़राब हो गया था इतने दिनों से पेपर दे के। हर यानी जो स्टूडेंट होगा ना, कोई भी स्टूडेंट मेरा यानी मेरी खुशी समझ सकता है कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो आप शर्ट को तो हाल देख ही सकते हैं, धज्जियाँ उड़ गई हैं शर्ट की। और गाइस इस शर्ट को तो मैंने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैं अपनी अलमारी में हैंग कर लेता हूँ, क्योंकि इस शर्ट के साथ मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। तो गाइस व्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 2 बजे जब मैं स्कूल से आया था, तो अभी रात के 8 बज गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ से मैं कुछ लेकर आता हूँ, बाकी का व्लॉग बाद में कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि आज का व्लॉग आपको कोई खास पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि आज का व्लॉग मुझे खुद को भी खास पसंद नहीं आया, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने कुछ खास दिखाया ही नहीं है और काफ़ी बोरिंग सा व्लॉग था। लेकिन गाइस स्टे ट्यून्ड, आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं और काफ़ी मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। एक व्लॉग अच्छा नहीं था, लेकिन आगे काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यही था आज के व्लॉग के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया तो लाइक कर दें, क्योंकि आगे काफ़ी अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले व्लॉग में।